नमस्कार, मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिल गेट्स और पॉल एलन ने साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। इसका मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपनी का हेडक्वार्टर वाशिंगटन के रेडमंड में स्थित है। आज के दिन सन 1979 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार भुट्टो को फांसी दी गई थी। जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 से 1977 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। अयूब खान के शासनकाल में वह विदेश मंत्री भी रहे। अयूब खान से मतभेद होने के कारण उन्होंने 1967 में अपनी नई पार्टी पीपी बना ली। पूर्व पाकिस्तानी नेता बेनज़ीर भुट्टो इन्हीं की बेटी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें फांसी पर लटकाया गया था, जिसमें सैन्य शासक जिया उल हक का हाथ समझा जाता है। आज के दिन सन 1889 में मशहूर हिंदी कवि और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। सरल भाषा और आजीवन भावनाओं के वे अनूठे हिंदी रचनाकार थे। प्रभा और करमवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया। सरकार ने उन्हें पद्म भूषण व साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा। भोपाल का माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय उन्हीं के नाम पर स्थापित किया गया है। 30 जनवरी 1968 को उनका निधन हुआ। आज के दिन सन 1987 में मशहूर साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का निधन हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ को कवि शैलीकार, कथा साहित्य को एक महत्वपूर्ण मोड़ देने वाले कथाकार, संपादक और अध्यापक के रूप में भी जाना जाता है। अज्ञ प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश में जन्मे हीरानंद ने आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई थी। आज ही के दिन सन 1968 में अमेरिका के मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग की हत्या हुई थी। चर्चित एक्टिविस्ट मार्टिन लूथर किंग पादरी एवं अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। 1957 में उन्होंने साउथ क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। सन 1959 में उन्होंने भारत की यात्रा की थी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 4 अप्रैल दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती, निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आपके कार्यस्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शुभ रंग सफेद नीला काला, निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग पीला लाल गुलाबी। कर्क, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद, निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावना निश्चित है। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला, निषेध रंग लाल। कन्या, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा। आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला काला हरा, निषेध रंग लाल पीला सफेद। तुला, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। सभी जगह आपके लिए सुखकारक होंगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी बरतें। शुभ रंग सफेद काला, निषेध रंग पीला गुलाबी। वृश्चिक, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। खान पान का ध्यान रखें। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अनावश्यक खर्चे के योग हैं।
शुभ रंग नारंगी, निषेध रंग भूरा। धनु, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें, लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है। परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती, स्लेटी, निषेध रंग काही हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में वृद्धि होगी, कैरियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा, निषेध रंग लाल, पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है, परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे, सफलता भी प्राप्त होगी, कैरियर में अनुकूलता के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा, निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है, किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई काम करें। शुभ रंग बसंती, सिलेटी, निषेध रंग हरा, जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121266888 या 0983706006 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एमटी मीडिया।